आप सभी का एवन स्टडी में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी गरीब रेखाओं की पैमाइश से, आज बात करेंगे ढालू रेखा पर गरीब मापन की। ढालू रेखा जब भूमि ढालू होती है तो गरीब मापन किस तरह करते हैं। भालू भूमि पर गरीब मापन किस तरह करते हैं कि भालू जो जमीन है उसे हम सीढ़ियों पैड़ी, जो ढालू जमीन होती है हमारी उसे हम पैड़ी सीढ़ी पैड़ी जो सीढ़ी होती है स्टेयर पैड़ी होती है इसमें इस तरह कितने हिस्सों में बांट ली जाती है। और छोटी छोटी जैसे हम पैड़ी बना के भूमि वो ढालू भूमि को पैड़ी बना के छोटी छोटी पैड़ियों में बांट देते हैं और उन सभी पैड़ियों को दूरी ज्ञात करके और आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह हमारी ढालू भूमि की गरीब मापन हो जाता है। जैसा कि हम कोई ढालू भूमि का गरीब मापन करना है कि हम पहले ढालू भूमि को हम छोटी छोटी सीढ़ी नुमा पैड़ी में बांटेंगे, उसके हिस्से करेंगे, फिर एक 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 पैड़ी की दूरी निकाल कर और उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। इस तरह हमारी ढालू भूमि का गरीब मापन हो जाता है। मान लो कोई हमारी ये ढालू भूमि है, इसका मुझे गरीब मापन करना है। चैनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, ये मापने की दिशा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो भूमि है इसको हम छोटी छोटी पैड़ियों में बांट लेंगे और इनकी दूरी निकाल के आपस में जोड़ लिए जाते हैं। ये बिंदु है बी और ये पी ये क्यू, ये पी डैश और क्यू डैश, ये तो पता ही है आपको। की दूरी मापने के लिए हमें जरीब का फीते का प्रयोग किया जाता है और जो हमने ये सीढ़ी नुमा सीढ़ी बनाई है यहाँ से यहाँ तक दूरी हम यहाँ से रेंजिंग रोड गाड़ के जब निकालेंगे ताकि हम भूल ना जाए, यहाँ से रेंजिंग रोड गाड़ देंगे फिर दूरी माप लेंगे ए से पी तक, फिर यहाँ से यहाँ से रेंजिंग रोड गाड़ के दूरी निकालेंगे और फिर आपस में लास्ट में ऐड कर देगी इन सभी को। इसमें हम क्या लिखेंगे,
ढालू रेखा परिधरी मापन के बाद है हमारा ऑफसेट्स खसके या अंतर्लंब। खसके क्या होता है? दरिद्र रेखा के दाएं या बाएं स्थित, मतलब कि दरिद्र रेखा के दाएं या बाएं स्थित, जैसे आकृति, भवन, सड़क, कुएं आदि की स्थिति ज्ञात करने के लिए दरिद्र द्वारा ली गई पार्श्व दूरी खसके कहलाती है या अंतर्लंब बोलते हैं। खसके क्षेत्र में स्थित विभिन्न आकृतियों की स्थिति ज्ञात करने के लिए खसके से मापने जाने वाली दूरी की आवश्यकता पड़ती है। खसके क्या है कि जरीब रेखा के दाएं अथवा बाएं स्थित महत्वपूर्ण बिंदु, आकृति, कुएं, सड़क, खंभे आदि की स्थिति जरीव रेखा द्वारा ली गई पार्श्व दूरी खसके कहलाती है। खसके फीते या डंड से लिए जाते हैं और जिस तरफ जरीव बढ़ रही हो उस तरफ मुंह करके खड़े होने पर जो दायां तरफ पड़ता है उसे दायां खसका बोलते हैं और जो बाईं तरफ खसका पड़ेगा हमारे उस बाएं खसका बोलते हैं। और खसके दो प्रकार के होते हैं, समकोण खसका और तिरछा खसका। Thank you.
इसके बाद है खसखस के प्रकार। खसखस दो प्रकार के होते हैं, समकोणी खसखस और तिरछा खसखस। समकोणी खसखस को होता है कि जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो, समकोणी खसखस। और तिरछा खसखस होता है जो 90 डिग्री का कोण से अधिक या उससे कम कोण बनाता है, तिरछा खसखस बोलते हैं। समकोण खसखस क्या होता है कि जो जरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, समकोण खसखस का फुट जरी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस खसखस का अर्थ होता है कि समकोण खसखस डालने के लिए पीता शून्य अंक पर रखा जाता है। यह हमारा समकोण खसखस, ये इसमें 90 डिग्री का कोण पर बना है। ये हमारी जरी रेखा, हमारी कोई बिल्डिंग है।
उसके बाद तिरछा खसका। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जरीब रेखा की कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन क्या है। अगले वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।